निर्देश दिया था कि सप्लाई नहीं होगी, लेकिन इसका सप्लाई हो रही है और ऑर्डर दिए जा रहे हैं। नर्सरी बनने का जब आपके पास नर्सरी बन क्या है, नर्सरी बनने पर खरीद नहीं होगा ऐसा हमने कहा था। प्लांट का हर वर्ष टेंडर किए जाए तो इस वर्ष हमारे पास प्लांट निकलने टेंडर के माध्यम से बोलो। हाँ यस जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 14 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, इसमें वन विभाग का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस विकास में वन विभाग ने भी काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की है, उसको लेकर आज वन विभाग आप सबके सामने आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने अपना संदेश देना चाहती है। वन विभाग ने तेंदुपत्ता दर जब प्रदेश बना 400 रुपया था, आज 2500 रुपया हुआ है, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और साथ ही साथ तेंदुपत्ता जो संग्राह परिवार है उनको हम चरण पादुका साड़ी जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति लेकिन मेधावी छात्रवृत्ति योजना तक इसमें संचालित कर रहे हैं। वन विभाग माध्यम से जो वनोपज है उसको समर्थन मूल्य करने के लिए सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया था, वन विभाग ने उस दर पर काफ़ी वनोपज संग्रहण चाहे हिंदी हो चाहे साल भी हो संग्रहण कर रहा है। साथ ही साथ जीवन रुपये के लिए 1,12,000 से लेकर अन्य शहर तक वन विभाग जो वनवासी हैं उनको संरक्षण कर रहा है। और हमने इंपोर्टेंट बेहतर काम किया है, इसमें जंगल सफारी हम सबके लिए माली प्रोडक्ट काम आया है और उसको जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदर्शन किया है। लगातार इसमें लोग दर्शक उसमें पटेल आ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसमें संख्या वृद्धि हो रही है। पहले ही 3 सावक का नामकरण भी किया गया है जो चयनित हो गए हैं। साथ ही साथ जो इकोटूरिस्ट क्षेत्र में जो स्थानीय जो रोजगार है उसको बढ़ावा मिले और उन क्षेत्रों के लोग देख सके समझ सकें, इसके लिए भी हम पर्यटन के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। इकोटूरिस्ट क्षेत्र में चाहे मरवाई हो चाहे ग्रामीण में जसमई हो बुक्का हो बार नवापारा हो अचानक मार्ग हो परमदेव हो और अभी हम बस्तर में जो गाड़ी है उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए उन विभाग से फाइनेंस करके ताकि लोग वन पर्यटन से जुड़े, कांगेरवली में वन पर्यटन के लिए बेहतर सुविधा दी है तक लगातार उसमें पर्यटक बढ़ रहे हैं, ऐसे स्थानीय रोजगार भी तेजी से बढ़े हैं।